दोस्तों, धरती पर बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमय जगहें हैं जिनके बारे में जानकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां जाना तो दूर की बात है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चाहे वहां का कल्चर हो या फिर फैशन, विश्व प्रसिद्ध पेरिस एक और खास चीज के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है कब्रों का तहखाना। बता दें दोस्तों, ये कब्रों का तहखाना बेहद ही रहस्यमय और डरावना दिखाई देता है। इस तहखाने में 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां रखी हुई हैं। इस बेहद डरावनी जगह को कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। यहां जमीन से 20 मीटर की गहराई में एक तहखाना है जिसमें लाखों मुर्दों की खोपड़ियां जमा है। यह एक ऐसी डरावनी सुरंग है जहां इंसान अपने सपने में भी जाने की नहीं सोचेगा। इस तहखाने के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, बात है 17वीं सदी की, जब पेरिस में आबादी तेजी से बढ़ने लगी। उसी दौरान अकाल, भूखमरी, प्लेग जैसी परेशानियां भी आई। इससे भारी संख्या में लोग मरने लगे। बीमारी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पेरिस के सभी कब्रिस्तान भर गए और लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची। कब्रिस्तानों की कमी की वजह से बहुत सी लाशें अंतिम संस्कार के अभाव से सड़ने लगी। इन्हीं खराब होती लाशों से बीमारियां फैलने का डर भी बना हुआ था। उस दौर में शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान सेंट इनोसेंट सेमेट्री में भी कब्रों की संख्या ओवरफ्लो कर गई थी। और इस समस्या को देखते हुए परेशान अफसर कब्रिस्तानों को खाली करने का कोई तरीका सोचने लगी, ताकि नई मौतों में लाशों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इस बीच सेंट इनोसेंट सेमेट्री की एक बड़ी दीवार गिर गई। 1780 में आखिरकार फ्रांस की सरकार को लाशों को दफनाने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल करना पड़ा। और आनन फानन में फ्रेंच अफसरों ने शहर के एक हिस्से पर जमीन की गहरी और लंबी चौड़ी खुदाई कर सुरंग में कब्र गाह बनाई। इसके बाद पुराने कब्रिस्तानों से सारी लाशें निकाली गईं और उन्हें ढोकर उस जगह पहुंचाया गया जहां तहखाना तैयार हो चुका था। और फिर उन अधगली लाशों को तहखाने में एक साथ दफना दिया गया। लाशों को ढोने और निश्चित जगह तक पहुंचाने की मुहिम साल 1780 से 1814 तक चली। एक तरफ लाखों लाश तहखाने में डाल दी गई, वहीं बहुत सी लाशों को कब्रों समेत तहखाने में रख दिया गया। माना जाता है कि ये सुरंगनुमा तहखाना लगभग 320 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके काफी बड़े हिस्से में क्या है ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, कब्रों का यह तहखाना भले ही डरावना हो, लेकिन इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पहली बार इस तहखाने को साल 1874 में लोगों के लिए खोला गया था। तब से लेकर अब तक करोड़ों लोग यहां आ चुके हैं। हालांकि यहां जाने से पहले लोगों को हिदायत दी जाती है कि अगर वे किसी खास गंध, संकरी जगह या हड्डियों को देखने से डरते हैं तो यहां ना जाएं। कई बार ऐसे कई वाक्य हुए हैं कि कुछ एडवेंचर पसंद करने वाले युवा भीतर प्रवेश निषेध वाले हिस्से में चले जाते हैं और फिर वापस नहीं लौट पाते। स्थानीय लोगों की माने तो इस सुरंगनुमा तहखाने में अजीबोगरीब वाक्य होते रहते हैं। बात साल 2004 की है, जब पुलिस सुरंग के खाली हिस्से में किसी ट्रेनिंग के लिए पहुंची। सैकड़ों किलोमीटरों के दायरे में आगे बढ़ने पर पुलिस वालों को अंदर ही एक सिनेमा हॉल, एक रेस्टोरेंट और बार मिला। बता दें, यहाँ फोन और पावर लाइंस भी थी। एक सीक्रेट कैमरा पुलिस वालों को देख रहा था। जब आसपास के हिस्से की पड़ताल की कोशिश की गई तो उन्हें एक नोट मिला जिसमें लिखा था, हमें खोजने की कोशिश मत करना। पुलिस वालों को तुरंत वहां से बाहर निकलना पड़ा। दोस्तों, पेरिस में बीते दिनों एक नया ट्रेंड देखा गया। खोज में दिलचस्पी रखने वाले कुछ लोग कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के अंदर वक्त बिताने जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये लाशों के ढेर से दूर रहते हैं और जाने से पहले मैप तैयार करते हैं ताकि मुर्दों के बीच खो ना जाएं। पेरिस में हालांकि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास नीचे पहुंचने और वहां से लौटने की जानकारी है। ये लोग कैटाफाइल्स कहलाते हैं और बहुत छोटे से समुदाय में रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी एडवेंचर पसंद है और क्या आप इस सुरंग में जाना चाहेंगे? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था विश्व प्रसिद्ध पेरिस का कैटाकॉम्ब्स या कब्रों का तहखाना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।